हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके ही यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, यहाँ पर कल के दिन मैं आपको एक वीडियो बना के दी थी जहाँ पर आपको बताया था कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में जो क्रेडिट एक्सेस है इसमें ब्रेकआउट हो सकता है, बट आपको एक कॉशियस वे में यहाँ पर काम करते हुए देखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब भी इस तरीके की एक तो 65%, 61, 62% की ऑलरेडी तेजी हो चुकी है, ओके, और सारे के सारे चार्ट से रिलेटेड यहाँ पर जब टेक्निकल शुरू होगा तब मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा। बट अभी अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी जंप हुई, बट ये फंसाने वाली जंप थी, इस बात को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक से ये आप अगर देखेंगे इन्वर्टेड यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ नजर आया, जिसे हम उल्टा हथौड़ा भी कहते हैं, ओके। और जब इस तरीके के यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनते हैं तो यहाँ पर से एक गिरावट होती हुई नजर आती है, ओके। और इसे यहाँ पर से जब ये गिरावट हो जाएगी, इसके बाद जब हम यहाँ पर से भागेंगे तो यहाँ पर चीजें नीचे आएगी, फिर हम इसी तरीके का एक फिबो चार्ट बनाएंगे, तब हमें पता चलती हुई नजर आएगी कि हमें कहाँ बाइंग करनी है। इसके तब तक रिजल्ट आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम रिजल्ट सब चीज देखने के बाद एक रेशो बना के, एक जिसे कहते हैं ना, काफी चीजें मिला के फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी, और लेनी है तो हमें कहाँ पर जाना है इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ, टारगेट क्या होना चाहिए, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पर एक कंप्लीटली रिस्क है यहाँ पर। अब हम बट इस स्टॉक के बारे में बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले एक और स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है माइंडट्री। माइंडट्री, ओके, यहाँ पर एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न, ओके, बेहतरीन यहाँ पर चीज बनती हुई नजर आई है यहाँ पर माइंडट्री में, जो कि इसे एक बेहतरीन वे से ऊपर ऊपर के लेवल पर ले जाती हुई नजर आएगी, जो कि मैं आपको समझाऊंगा, ओके। इसी से रिलेटेड हम बातें भी करेंगे, इसके न्यूज भी आई है। मैं यहाँ पर 5-4 बजे से बैठा हुआ हूँ कि यहाँ पर मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, वरना मैं ये 4 बजे से वीडियो बनाना शुरू कर देता, और काफी सारी वीडियोस आज की डेट में आपके पास आती, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर ब्रेकआउट स्टॉक्स थे जो यहाँ पर मुझे लगता है कि 10 से 20% के रिटर्न तुरंत ही देते हुए नजर आएंगे। बट कोई इशू नहीं है, अब ये एक ही वीडियो आ पाएगा तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो माइंडट्री से रिलेटेड बातें करेंगे, कुछ न्यूज है उससे रिलेटेड बातें करेंगे, और न्यूज जब सब चीज मिल जाती है तो यहाँ पर चार्ट जब बनता हुआ नजर आता है तो अच्छा खासा बनता है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो आपको वीडियो मिले। और ये पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। और माइंडट्री में मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, बट कल की डेट में यहाँ पर मैं और शेयर यहाँ पर खरीदूंगा, तो मैं आपको कुछ लेवल बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा, और क्यों ये शेयर लेना चाहिए, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो सब चीज बताऊंगा। पर बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े तो आपसे कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक न्यूज, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो देखिए, एक्सचेंज है सॉर्ट क्लेरिफिकेशन फॉर द माइंडट्री लिमिटेड अप्रैल 18, 2020, मतलब आज के दिन में यहाँ पर एक्सचेंज ने यहाँ पर माइंडट्री से क्लेरिफिकेशन मांगी है। किसके लिए? कि एक आर्टिकल आया न्यूज में कि यहाँ पर अप्रैल 18 को ही कोटेड L&T Infotech, LTI जिसे हम कहते हैं, एंड माइंडट्री टू मर्ज टू क्रिएट 22 बिलियन एंटिटीज, तो ये इन दोनों का यहाँ पर मर्जर होता हुआ नजर आ रहा है, ओके। उसके लिए यहाँ पर क्लेरिफिकेशन मांगी है, तो उससे रिलेटेड अभी रिप्लाई इज वेटेड, तो यहाँ पर रिप्लाई आया नहीं है, ओके। और यहाँ पर शायद LTI के रिजल्ट आने वाले हैं तब रिप्लाई आता हुआ दिखाई दे। तो यहाँ पर एक ही कंपनी है, आपको पता है L&T, LT का लार्सन टुब्रो का पार्ट है, और माइंडट्री भी लार्सन टुब्रो का पार्ट है, और LTTS भी लार्सन टुब्रो का पार्ट है, तीन तीन IT कंपनी है, और यहाँ इन दोनों का शायद मर्जर हो सकता है, और मर्जर होने पर ये 22 बिलियन डॉलर की कंपनी बन जाएगी, जो कि बहुत बड़ी कंपनी होती है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं माइंडट्री की, तो माइंडट्री के आज रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए। मैं यहाँ पर शेयर को और बाई कर लेता, बट चार्ट तो बना बता ही रहा था बाई करने के लिए, बट आज एक रिजल्ट भी था, तो रिजल्ट जिस तरीके से IT के आया, इंफोसिस के आया, TCS के आया, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव यहाँ पर सेंटिमेंटल पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो निफ्टी IT एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गिरती हुई दिखाई दी, ओके। निफ्टी IT की वजह से यहाँ पर देखिए अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर गिरती हुई नजर आई, और निफ्टी IT की वजह से निफ्टी 50 में भी एक बेहतरीन गिरावट होती हुई नजर आई है, ओके। और यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी 50 भी इसी तरीके से गिरती हुई नजर आई, बट एक बेहतरीन सपोर्ट लेके यहाँ पर ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, बट हम यहाँ पर इससे रिलेटेड बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे माइंडट्री से रिलेटेड। तो माइंडट्री के आज रिजल्ट आए, और रिजल्ट कैसे आए? बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, ₹27 का डिविडेंड दिया गया है, ओके। ये अप्रूव होगा कब? होगा तो यहाँ पर जब इसकी इनकी मीटिंग है 28 जून 2022 को, ओके, 23rd यहाँ पर इनकी जनरल मीटिंग है, उसमें यहाँ पर ये डिसाइड करेंगे, अप्रूवल लेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर ₹27 का यहाँ पर आपको डिविडेंड मिलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अच्छा खासा डिविडेंड मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए BSE पे डाउनलोड कर लीजिएगा इनका रिजल्ट, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें
चीजें यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलती हुई दिखाई देगी कि यहाँ पर डिविडेंड भी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने ताबड़तोड़ बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पर बात करें तो देखिए आर फुल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ 31%, यहाँ पर देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस 31.1% यहाँ पर इनका ग्रोथ होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा 51 यहाँ पर आप देखेंगे बी प्राउड टू हैव द डिलीवरी एबिटा मार्जिन 20.9% एंड पैट मार्जिन 15.7%। तो यहाँ पर एबिटा 20.9% बढ़ा है, पैट की बात करें 15.7% बढ़ा है, और यही सारी चीजों की वजह से या तो शेयर गिर जाते हैं सॉरी या शेयर भागते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पर शेयर काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पर देखेंगे फुल ईयर डिविडेंड 37 रुपीज का यहाँ पर दिया गया था पहले। ईपीएस की बात करें 100 के यहाँ आसपास यहाँ पर इनका ईपीएस आ गया है। यहाँ पर देखेंगे यूएसडी में तो लगभग 383.8 मिलियन डॉलर की यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर ग्रोथ हुई है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें 33.2% की हुई है। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 62.7 मिलियन डॉलर का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, जो कि 7.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 44.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर देखिए रिवेन्यू यहाँ पर रुपीज में दे रखे सिर्फ, एज इट इज यहाँ पर बात करेंगे इन यूएसडी वो भी यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर ये परसेंटेज में चेंज क्यों है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये डॉलर में रेट पेमेंट आती है, डॉलर का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, इस वजह से यहाँ पर ये चेंजेस दिखाई रहते हैं, तो इससे यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्लाइंट, इनके क्लाइंट यहाँ पर 31 मार्च तक 276 एक्टिव क्लाइंट्स है, और यहाँ पर 5 मिलियन डॉलर प्लस क्लाइंट्स इंक्रीज बाई 4। ओके, यहाँ पर सारे क्लाइंट्स से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर डील 2022 में यहाँ पर क्वार्टर फोर में डील्स जीती है वो सारी चीजें दे रखी है, तो एक बार इसे पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझ में आती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर ग्रोथ एवरीथिंग इज फाइन। अब एक बार इसके रिजल्ट की तरफ चल लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर इनके रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। तो 27 रुपीज का क्या दिया गया है, यहाँ पर डिविडेंड दिया गया है इस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा, जो कि बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें यहाँ पर ये डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये रिजल्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेट रिजल्ट। ओके, और यहाँ पर स्टैंड अलोन भी सेम, लगभग सेम ही है। यहाँ पर देखिए रिवेन्यू, ये इस बार के रिजल्ट है, लास्ट क्वार्टर के, लास्ट ईयर के। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो इनका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 28,974 है, इससे पहले 27,500 मिलियन रुपीज ही होगा, इसके पहले 21,093 मिलियन रुपीज, जो कि क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पर ज्यादा है, जो कि काफी बेहतरीन बात है। टोटल इनकम भी देखेंगे 29,873, इससे पहले 28,000, इससे पहले 21,000, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो काफी बेहतरीन, क्वार्टरली बेसिस पे काफी अच्छा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पर टोटल एक्सपेंस की बात करें वो भी यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया है, और यहाँ पर सीधे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 4,731 मिलियन रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 4,375 मिलियन रुपीज था, इससे पहले 3,170। तो ईयरली बेसिस पे तो परफॉर्मेंस बेहतरीन है ही है, बट क्वार्टरली बेसिस पे उससे वो भी यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस 28.71 का है, इससे पहले 26, से पहले 19, तो ईपीएस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ रही है, एवरीथिंग इज बेटर, एवरीथिंग इज गुड। तो यहाँ पर जब ये सब चीज अच्छे खासे आ रही है, यहाँ पर सेगमेंट वाइज भी देख लीजिएगा कि रिटेल सीपीजी से यहाँ पर कितना पैसा आ रहा है, बैंकिंग से किस तरीके का यहाँ पर परफॉर्मेंस है, कम्युनिकेशन, तो मोस्टली यहाँ पर सारा परफॉर्मेंस बेहतरीन यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये सब चीज यहाँ पर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो रिजल्ट यहाँ पर ओवरऑल सबसे सारे बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट आए हैं। तो एक गिरावट थी मार्केट में आज के दिन में, अच्छी खासी गिरावट होती हुई थी। ओके, किसी ने यहाँ पर खरीदा होगा तो यहाँ पर एक लकी होगा, क्यों, क्योंकि एक बेहतरीन रिटर्न्स उन्हें कल की डेट में यहाँ पर मार्केट में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, बट ये जब हमारी एक क्लासेस शुरू होगी, बहुत जल्दी यहाँ पर चैनल बनेगा, ओके, उस चीज में यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें सिखाऊंगा, क्योंकि इन सारी चीजों का मतलब रहता है, और इन्हीं चीजों से याद रखिए चीजें ऊपर आती है, इन्हीं चीजों से नीचे ऊपर जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहीं से ही ऊपर गई और यहीं से ही नीचे आती हुई दिखाई दी, यहीं से ही मार्केट गिरती हुई दिखाई दी थी, यहीं पर ही सपोर्ट लेके चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दी, और यहाँ सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया, देखिए आज के दिन भी इसी तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा था ये ट्रेंड लाइन, और यहाँ पर सपोर्ट नीचे गई, नीचे जाके फिर सपोर्ट लेके यहाँ पर चीजें बढ़ती हुई नजर आई। तो यहाँ पर अब क्या बनता हुआ नजर आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ सब, तो यहाँ पर एक एक करके ये सारी चीजें सिखाऊंगा मैं आपको, बस थोड़ा सा आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा और इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, बट आज के दिन नहीं, कब भी जब हमारी क्लासेस शुरू होगी तब। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इसे आप कह लीजिए स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हैं, या फिर आप कह लीजिए एक तरीके से हैमर,
ये हैमर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। और हैमर जब भी नीचे बनता है ना, ओके, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में एक बेहतरीन तेजी होती हुई दिखाई देती है। तो देखिए न्यूज़ तो है ही है, बट यहाँ पर देखिए तो एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। मैंने आपको काफी बार बताया कि इस तरीके का हैमर अगर नीचे बन जाए ना, ओके, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर तेजी के रीजन सबसे पहले एक ये हो गया, दूसरा रीजन हो गया इसके रिजल्ट, तीसरा रीजन क्या हो गया, तीसरा रीजन हो गया कि यहाँ से चीजें नीचे गई और इसी सपोर्ट पे आके यहाँ पर ठहरती हुई नजर आई, ओके। और चौथा रीजन क्या हो गया, चौथा रीजन हो गया ये फिबोटेक्निक। मैंने आपको बताया था कि मैं ये भी आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर देखेंगे तो फीबो टेक्निक, यहाँ पर देखेंगे तो 60 जब यहाँ पर आ जाता है ना, ये या तो 0.5 या यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सारे चार्ट, तो 0.68 दिखा दे या 0.5, इन दोनों में से अगर यहाँ पर दिखाई देता है तो यहाँ पर बाइंग की पोजिशन बन जाती है, ओके। जब तो यहाँ पर गिरावट हो गई है तो यहाँ पर बाइंग की पोजिशन ये भी बता रहा है कि यहाँ पर बाइंग होगी, ओके। इसके अलावा हम बात करें, चार्ट ने बता दिया कि यहाँ पर कैंडल ने बता दिया यहाँ पर बाइंग होगी, यहाँ पर न्यूज ने बता दिया LTI का मर्जर ये हो गई, इसके अलावा रिजल्ट, तो इतनी सारी न्यूज़। और यहाँ पर जब यहाँ पर आप बाइंग करेंगे, बाइंग कहाँ करना है, बाइंग करना है यहाँ पर, ओके, जो इसका हाई था 420 से यहाँ पर क्रॉस हुआ, 4020 से यहाँ पर क्रॉस हुआ, तो यहाँ पर एक बाइंग आएगी जो इसे यहाँ पर लेके जाएगी सीधे ऊपर की तरफ, ओके। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, आज का लो 38.33, यहाँ पर देखिए चेंज हो रहा है, तो 38.33 यहाँ का आज का लो स्टॉप लॉस लगा के आप काम करेंगे तो यहाँ पर आपका, और थोड़ा सा टाइम देंगे पोजिशनल बेसिस पे इसे खेलेंगे, ओके, तो यहाँ पर एक बेहतरीन पैसा आपका बनता हुआ नजर आएगा और आपको ये अच्छे खासे टारगेट मिलते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर से देखेंगे तो देखिए, सॉरी यहाँ पर से सिलेक्ट नहीं हुआ, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो सीधे के सीधे यहाँ तक तो जा ही रहा है, ओके, 13.15%, बट जिस तरीके से इसके कंटिन्यूअस पूरे साल रिजल्ट आए हैं तो ये चीज यहाँ पर रुकने नहीं वाली। टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो इसका लेवल है, ये सपोर्ट यहाँ पर, अगर इस सपोर्ट को यहाँ पर ये क्रॉस कर देता है, जो ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये क्रॉस कर देता है, ओके, लगभग 4500, यहाँ पर 4600 के आसपास, तो यहाँ पर एक तेजी होगी जो इसे यहाँ पर सीधे ऊपर की तरफ ले के जाएगी, जो कि 13% ने बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। तो माइंडट्री की तरफ आपको ध्यान देना है और बहुत सारे IT स्टॉक्स हैं उनकी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि मिड कैप IT के स्टॉक्स के रिजल्ट काफी बेहतरीन आने वाले हैं। और LTI जो कि यहाँ पर न्यूज का यहाँ पर रीजन बना है, तो LTI में भी इसी तरीके की एक तेजी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो भी इसी तरीके से गिरा है, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर चार्ट, यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और इस सपोर्ट से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है चीजें। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करना है और जितना हो सके हमें फॉलो करने की जरूरत है, आप फॉलो करिए, सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपको ये सारी की सारी चीजें भी सिखा सकूँ, एज वेल एज आप हमारा चैनल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है आप लोग की भी नॉलेज यहाँ पर बढ़ेगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।